जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली 11 टुकड़े कच्चे सूत से लपेट कर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद, जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये दो जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान अशोक सुंदरी का स्थान सामने, पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज, अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए, बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता। मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल, उसमें डालकर पात्र में जल में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार, 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ। टिकल करने में क्या जाए, अब ई में कहीं घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवान घट गई, कुछ घटा? फायदा तो तुम्हारा ही हुआ। कुंदकेश्वर का नाम, कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर और साथ में एक लोटा पानी, एक कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं को हर लेता है, बांधा को हरता है। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर
कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिव जी के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपका कर आ जा और एग्जाम देने जा। बाबा निफ्टी का सब काम तो किस एग्जाम में बैठ रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है या इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो या कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो अपने नौकरी के लिए, प्रयास करो। शिव महापुराण के छोटे छोटे जो उपाय शंकर की कथा में है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। अभी तक आपने जितनी कथा शिव महापेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता हो, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि कादिक में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की सात भाग ले लो, मतलब बेलपत्री सात ले लीजिए। सात बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफेद कलर का कच्चा धागा जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर नंदी के, जो नंदी होता है नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा है, एक पांव नीचे की ओर जाता है, तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो सात गुच्छ हैं, सात जो बेलपत्री के भाग हैं, सात बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्र भाग होता है, सबसे आगे का भाग, सातों में लाल चंदन लगाना है महाराज। उस चंदन को लगाकर शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं, तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का अनुभव। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा धागा। और एक बात और आपको कहने, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूं, वो भी आदर करे, तो मेरा निवेदन है कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपका परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्तकमल को जिसको अपने परिवार में वापस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है सीधी, बंद कर सात बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना है, उस सूत को वापस निकाल लेना है, बेलपत्री के साथ, बेलपत्री के साथ में और बेलपत्री को तो अपने पास में रखना, सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्तकमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्तकमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा कटी भाग को समझ लीजिए, ये शिवलिंग रखा है जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है ये भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है उस जगह पर
उस बेलपत्री को रख देना। महाराज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तलाक तक बात चल भी रही हो तो तलाक समाप्त हो जाता, प्रेम करुणा आसक्ति स्नेह बढ़ जाता, संबंध टूटने की कतार पर। एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि माँ अब तुझे नहीं भाना, माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है माँ, अब इस संबंध को तुझे निभाना। जब कच्चा सूत माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे दी। शंकर भगवान को अगर 108 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, शिव को आप एक ही बेलपत्र पर चंदन की बेलपत्री की जो डंडी आप पीछे से डूट तोड़ देते हो, उसी डूट को चंदन में भिगोकर 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस चंदन की एक एक 108 बिंदी भी आप अगर बेलपत्री पर लगाकर अपनी कामना कर बाबा से दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआ कर कटी वाले भाग को छुआ कर शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, दुख कितना भी बड़ा हो मेरा शंकर काट ही देता है, काट ही देता है। आप अगर चंदन हाथ से 108 बार लगाओगे तो कहीं दिखेगा ही नहीं, लगेगा एक ही जगह लगता जाएगा, पर जो डंडी का डूट आपने पीछे से तोड़ा हुआ है बेलपत्र चढ़ाने से पहले, उसको बिंगो कर उस 108 बार अपने हृदय की बात शिव को दिल से, वो कहते ना जैसे पहले के लोग पत्र लिखते थे तो बड़े दिल से लिखते थे, काकी जी मन थारी याद आवे, ये बेलपत्र नहीं है, ये हमारा पत्र है, हृदय से लिख कर कहो तो दे तो दोस्त, कहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखें, जरूरतमंदों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी उपाय का लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।